मैंने कहा भाभी जी हेलो, कैसी हैं आप? हेलो भरभूति जी, कैसन बा? ऑल वेल ऑल वेल। भाभी जी, कल रात को मुझे अपने बारे में कुछ मालूम चला है। का मालूम चला? एक्चुअली ये मालूम पड़ा है कि मैं एक रॉयल खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। हाय दिया, या। आप ऑयल खानदान से हैं? भाभी जी, इट्स नॉट ऑयल, इट्स रॉयल। ऐसे ही पकड़े हैं भाभी जी। हम रॉयल खादिम है बेसिकली। खादिम का होता है? अभी ये क्या है कि दुनिया में कई प्रकार के नौकर होते हैं। जैसे आप देख रही है, टिल्लू एक नौकर है, बड़ा घटिया किस्म का नौकर है, क्योंकि वो एक घटिया आदमी का काम करता है। आप क्या बोले? मेरा मतलब है कि एक नॉर्मल आदमी का काम करता है ना। तो आप क्या करते हैं? ये घुइया उखाड़ते थे। बोला मुंह तोड़ दे तुम्हारा, समझे? चूस मी भैया, लौंडो सही कह रहे हो। जाओ, आप घटिया नौकर क्यों बोल रहे हो? वाह, घटिया नौकर नहीं तो क्या है, काम के वक्त आवारा गर्दी करता बढ़ता है ये आदमी। रॉयल खादिम तो हम थे। अपने मालिक का पूरा ख्याल रखते थे, उन्हें उफ करने का मौका नहीं देते थे। उफ करने का जी, समझे? काफी एंजॉय करवाते थे। अब मुंह तोड़ दे तो लप्पड़ मार के मुंह तोड़ दे, से बता रहे हैं। अबे लौंडो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भैया कौन किसको एंजॉय करवा रहा है? विभूति भैया को धंधो है तो पहले एंजॉय करावे को। आज तक तूने हमें नहीं बताया विभूति, कभी हमें भी तो एंजॉय करवा। बकवास बंद कर तू। तुम गवार आदमी, तुम्हें क्या समझ? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तुम सबको क्यों लपेट रहे हो? हमने तो कुछ नहीं कहा। ठीक है मास्टर, आपको छोड़ देते हैं। तुम्हें पता है रॉयल खादिम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रॉयल खादिम इज ऑल अबाउट? बताइए। व्हाट? रॉयल खादिम वो होता है जो राजा के सबसे करीब होता है, द क्लोजेस्ट। राजा के सारे राज जानता है, राजा की सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। बहुत अच्छे। जी, ये मैं क्या देख रहा हूं? आपको तो पूरा खुले बदला हुआ है। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। उका है ना भरभूति जी, कि अब तो आप जानते हैं कि हम रेलवे फैमिली से हैं। जी, आप वो रॉयल फैमिली कहना चाह रही भाभी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। पता है शाही खानदान, राजपुताना खानदान की जो बहु बेटियां होती है ना, वो ऐसे ही पोशाक पहनती हैं। भाभी जी, इस पोशाक में ना आप पटाखा लग रही है। अच्छा, भाभी जी आप बहुत हसीन लग रही है। थैंक यू। ₹100 और एक तो पत्ता गोभी भी दे दो। अभी जी कुछ पालक भी ले लीजिए। ठीक बात, पालक पकौड़े खाएंगे आप? हम तो नौकर हैं मालकिन, अगर आप खिलाएंगे तो क्यों नहीं खा लेंगे। हाँ हाँ, जरूर खिलाएंगे, काहे ना है। दो हमको एक पालक का अजूड़ी भी दो। मालिक क्या है कि थाली के बैगन है थोड़े से। क्या बोले? हमने कहा बैगन अच्छा लगता है मालिक को। हाँ, उनको बहुत ही पसंद है। ठीक भाई, सब बांध दो। हाय दिया भरभूति जी, हम थैली तो भूल गए। मालकिन आप भूल सकती हैं, हम नहीं ना भूल सकते हैं। बड़ा 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 बहुत अच्छे थैंक यू। बावले गांव में ऊंट देख लिया क्या बे? भैया पैंट के ऊपर कच्चा पहन रखा है, तो हंसी तो आएगी ना। अबे ऊपर मैन पैंट के ऊपर चट्टी बनियान पहन सकता है, हम नहीं पहन सकते। हाँ काय? ओ भैया वो ऊपर मैन है, तुम नहीं। भाई दिया, काहे हंस रहे हो तुम लोग भरभूति जी पर? हाँ, ऊ का कौन ऊपर मैन से कम है, ऊ तो ऊपर से भी ऊपर है। अबे जी थैंक यू सो मच। ये शहर के बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सही पकड़े हैं। अभी जी, let's go, come on, let me hold the umbrella, like and the thala. आप चलिए। अब भरभूति जी।
बारबी मतलब भाभी जी यहाँ बैठ जाएगा? प्लीज प्लीज बैठिए ना भाभी जी। भरभूति जी, हम ना लड्डू के भैया की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। हमको पता है वो आपको बहुत सारे जख्म दिए हैं, लेकिन कोनो बात नहीं, हम आपके एक एक ठो जख्म को चूम कर उसको ठीक कर देंगे। मम्मी भाभी जी, मेरे जख्मों में ना बहुत टीस सी उठ रही है, ये टीस शांत कर दीजिए प्लीज। देखिए ना भरभूति जी, पूरे भारत में बारिश हो रहा है लेकिन कानपुर में ना ही हो रहा है। मालकिन, अभी आपने बादलों को हुक्म दिया कहाँ? एक बार हुक्म देके देखिए, बादल भर भरा के बरस जाएंगे। हम तो रोज ही हुक्म देते हैं लेकिन बादल है कि बरस ही ना ही रहे हैं। भाभी जी, हमको हुक्म दीजिए ना, बादल नहीं बरस रहे तो क्या हुआ, हम बरस जाएंगे और ऐसा बरसेंगे कि सारा बोर कर देंगे। अब बोर तो कर ही रहे हैं आप भैया जी। देखिए भरभूति जी कौन है और हमसे कैसा बात कर रहे हैं। अबे ओ, मोहल्ले की सबसे ज्यादा सुंदर, सुशील, खूबसूरत, सबरान महिला के साथ बदतमीजी करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है क्या बे? नहीं साहब, शर्म नहीं आती, बड़ा मजा आता है हमें। आपको शर्म आती है क्या? और अगर आती भी हो तो अपना जाइए, कहीं डूब डाब के मर जाइए ना। परभूति जी, हमरा दुपट्टा ले लिए। मालकिन का दुपट्टा वापस कीजिए। नहीं, दुपट्टा वापस कीजिए मालकिन का। दुपट्टा वापस नहीं होगा भाभी जी, कतई हॉट है लेकिन। हॉट तो है भाई, पूरा मोहल्ला जानता है, पूरा कानपुर जानता है भाभी जी है तो हॉट। इसमें कोई नई बात तो नहीं है। तो काम करो, दुपट्टा ले जाओ, भाभी को ही छोड़ दो। भाभी जी, Where is my goggles? ये लीजिए। Thank you. Sorry. भाभी जी, आप प्लीज साइड में आके देखिए। हम आप अपना सिडक्शन चालू रखिए। भाभी जी, वो एक्शन होता है भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। अब चालू रखिए, हम वहां से देखते हैं। हाँ प्लीज भाभी जी, मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल। हाँ ठीक, वाह वाह भाभी जी वाह। अपने पति के प्रति जो आपकी फीलिंग्स है, अगर वो हर पत्नी की हो जाए, खासकर हमारी पत्नी की, तो हम तो तर जाएं भाभी जी। क्या बोले, हमरे कछु समझ ना ही आया, एक बार फिर से बोलिए ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस कलयुग की पहली पतिव्रता स्त्री हैं, पहली। सच्ची? हाँ तो भरभूति जी, अगर हम पतिव्रता हैं तो आप भी कछु कम ना ही हैं, आप भी एक नंबर के पत्नीव्रता हैं। पत्नीव्रता? अनीता जी का देखिए कितना सेवा करते हैं, उनके कपड़े धोते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, यहाँ तक कि उनका वो बहुत ही पसंदीदा वो का पीते हैं, अल्पचिनो काफी। भाभी जी, आप अल्पचिनो कह सकते हैं लेकिन कैपिचिनो नहीं कह सकते। By the way, it's cappuccino. ऐसे ही पकड़े हैं, कितना सेवा करते हैं आप उनका, पैर भी दबाते हैं। आपने कभी मुझे अन्नू के पैर दबाते हुए देखा? बहुत बार, बल्कि वो हमको खुद ही बता ही रही कि आप पंजा बहुत अच्छा दबाते हैं उनका, उसके बाद आप घुटनों का मालिश भी बहुत अच्छा करते हैं। गॉड, उनके बच्चे ने सारी बेडरूम की पर्सनल और इंटीमेट डिटेल्स भाभी जी के साथ शेयर कर ली, व्हाट अ वियर्ड वुमन शी इज। आप क्या बोलो? भाभी जी, अब क्या बोलूं, आपको तो सब मालूम पड़ ही गया है। वैसे हम ही मामले में आपके फैन हैं। हां, किस मामले में भाभी जी? यही कि आप बहुत पत्नी व्रता हैं और का। really, भाभी जी? सच्ची? ये क्या टाइम पास कर रहे हैं आप हमारी बीवी के साथ? मैं टाइम पास नहीं कर रहा, भाभी जी ने मुझे अभी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है। अच्छा? ये कह रही है कि मैं एक पत्नी व्रता पति हूँ। आप पत्नी व्रता है पकली, ये कॉम्प्लीमेंट दिया तुमने? हाँ। पत्नी व्रता, ऐसा क्या देख लिया तुमने इनमें? बल्कि भाभी जी तो इतना परेशान रहती कि उनका बस चले तो आपको गोली मार दे गोली। वो तो उस क्षण को कोसती है जिस क्षण में उन्होंने आपसे शादी की थी, समझे? जहां तक पत्नी व्रता का सवाल है तो वो तो हम हैं पगली। Oh God, this is a joke.
क्या बकवास चल रही है ये? भाभी जी ने हंसकर अपना जवाब दे दिया कि आप कितने बड़े वाले पत्नी व्रता पति हैं। देखो साफ साफ बताओ, नहीं तो अच्छा अच्छा नहीं होगा, समझी? का साफ साफ बताएं, हाँ का साफ साफ बताएं, आप ही बताइए कितना काम करवाते हैं आप हमसे। हाँ सारा दिन यहाँ से वहाँ दौड़ाते रहते हैं, कभी ई लाओ कभी ओ लाओ, पगली कहीं घुमाने ना ही ले जाते हैं, का करते हैं आप हमारे लिए? तो सर पे बंदूक रख के करवाते हैं क्या? तुम ये सब अपनी खुशी से करती हो ना? आपने झांक के देखा उनके दिल के अंदर कि वो खुशी से करती हैं, दुखी होकर करती हैं, कभी देखा आपने? ओ जनाब, आप अपने पैजामे में रहिए, हमारा घरेलू मामला है। ये घरेलू मामला नहीं है, ये औरत पे जुल्म का मामला है। और औरत पे जुल्म का मामला मतलब ये इंटरनेशनल यूनिवर्सल मामला है, इट्स अ बर्निंग इशू एंड आई विल रेज माय वॉइस फॉर इट। वो तो उठ जाना चाहेगा। नहीं नहीं, आप हमारे लिए बहुत ही डिलीशियस हैं। डिलीशियस तो आप हैं भाभी जी, आई वुड लव टू हैव यू सम टाइम। अक्का बोले, भाभी जी आप प्रेशियस कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं जी, आप सही पकड़े बोलती हैं ना, तो बहुत हसीन लगती हैं। जरा एक बार फिर से बोलिए, सही पकड़े हैं? सही पकड़े हैं। फिर से बोलिए। सही पकड़े हैं। फिर से बोलिए। सही पकड़े हैं। फिर से बोलिए। सही पकड़े हैं। एक बार और। सही पकड़े हैं।